बहुत चुनौती भरे हैं और ये तो कोई नया नहीं, तो पहले ही पता है, हम काम कर रहे हैं संगठन में और ऐसी चुनौतियां हमने पहले भी देखी हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा समर्पण और जो सम्मान है वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं मिलता। इसलिए वो थोड़ा है ना कि महिला पहले नहीं बनी, आज मैं बनी हूँ, तो संभावना आगे बहुत कुछ हो सकती है सभी के लिए। भाभी जी, पहले आपको जिला अध्यक्ष बनने की खुशी में बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल खिले गुल खिले गुलदस्ते खिले, दिल खिले गुल खिले गुलदस्ते खिले। पूनम भाभी जी की जिला अध्यक्ष बनने की खुशी में सभी कार्यकर्ताओं के दिलों में कमल के फूल खिले। ये कमल का फूल कोई मामूली फूल नहीं है, इसी ये जो कमल का फूल है ये हमारी जीत का निशान है, ये चुनाव चिन्ह है। इसीलिए हम रात दिन हमको कमल का फूल ही दिखता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं यमुना विहार मंडल की ओर से। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। दिल्ली की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी दिनों से इंतजार हो रहा था कि कब जिला अध्यक्ष तय किए जाएंगे। प्रदेश की टीम गठित होने के बाद में जिला का टीम गठित हो गई है। उत्तर पूर्वी जिले की बात करें तो पूनम चौहान जो कि वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, उनको जिला अध्यक्ष पार्टी ने ये मौका दिया है जाकर के क्षेत्र में सेवा करने का। मैम, भारत टीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जिला अध्यक्ष। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और संगठन ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद। जैकपॉट लगा है, किसका श्रेय? शीत नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया और जिस तरह से मैंने बात रखी थी कि महिलाओं को भी आगे लीडरशिप का मौका मिलना चाहिए, तो शायद उन्होंने ओवरऑल अपनी वर्किंग की होगी इस बात पर। और उन्होंने जो विश्वास जताया हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और उनकी सारी टीम, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हमारे सांसद मनोज तिवारी जी का, हमारे विधायक अजय मावर जी का, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन गोयल जी का, उन सभी ने ही मेरा नाम सुझाया और उन्होंने सबका ही विश्वास था कि अगर आप किसी महिला को लीडरशिप देना चाहते हो तो पूनम हमारी चॉइस रहेगी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी महिलाओं के लिए बहुत खुशी का मौका है और वो बहुत खुश भी हो रही हैं आके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वही सब बनी है। और मैं भी उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि पूनम चौहान नहीं, ये सभी महिला कार्यकर्ताओं की जीत है कि आज पार्टी का विश्वास महिला कार्यकर्ताओं पर बढ़ गया है कि हम भी किसी ना किसी दिन इस पद पर आ सकते हैं। पूनम जी, अगर हम बात करें, ये 2 साल चुनौती भरे जी, बहुत चुनौती भरे हैं और ये तो कोई नया नहीं, तो पहले ही पता है, हम काम कर रहे हैं संगठन में और ऐसी चुनौतियां हमने पहले भी देखी हैं। इससे पहले भी यहाँ से लोकसभा का चुनाव 2019 में मनोज तिवारी जी को लड़वाया था, तब प्रदेश में महिला मोर्चा की मंत्री थी और जी तोड़ मेहनत की, पूरी टीम ने मेहनत की और भारी बहुमत से मनोज तिवारी जी 2014 से भी ज्यादा मतों से जीते। अब टारगेट यही है, मोदी जी जिस तरह से देश में विकास की लहर फैलाए हुए हैं और पूरे विश्व में भारत का डंका जो बज रहा है वो मोदी जी की जो नीतियां हैं, उनका जो विश्वास है, उसी के दम पर बज रहा है। तो हमें पूरा विश्वास है 2023-24 का जो चुनाव लोकसभा का होगा, 7 सीटें हम दिल्ली को जीत के देंगे और पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और उसके बाद स्वतः ही केजरीवाल की तो जो कुनीतियां जो चल रही हैं वो जनता के सामने उजागर हो चुकी हैं। कहते हैं ना, एक लॉलीपॉप देकर उसने जनता को भ्रम जाल में फंसाया, पर जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। दिन पे दिन शराब घोटाला हो, भ्रष्टाचार के मामले हो, टैंकर घोटाला हो, और यहाँ तक कि जो उसने अपने शीश महल के ऊपर इतना बड़ा घोटाला किया, उसके मंत्री लगातार अभी जेल में भी हैं और सबके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं। तो जनता के सामने उनकी पूरी पोल खुल चुकी है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो सेवा और समर्पण भाव से पार्टी को सेवा देता है और उसमें विश्वास जताता है, तो उसके लिए मनोबल बहुत बढ़ गया है और ये दोनों चुनाव हम बाहरी बहुमत से जीतेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। पूनम जी, अगर हम बात करें राजकुमार बल्लन जी के आने के बाद में उत्तर पूर्वी जिले के अंदर कितनी मजबूती है? देखिए, सभी जो पूर्व अध्यक्ष रहे और सभी वरिष्ठ लोग जो जिले पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में गए किसी भी वजह से, लेकिन उन्होंने वहां पर देख लिया ना क्या हाल है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा समर्पण और जो सम्मान है वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं मिलता, इसीलिए वो पुनः अपने परिवार में वापस आए। जिस तरह से सुबह का बुला शाम को आ जाता है तो उसे बुला नहीं कहते, और वो अपने परिवार का ध्यान पहले भी रखते थे और आगे भी रखेंगे, हमें मजबूती ही मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास। और जो पार्टी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में गए, वापसी लाने के लिए तैयारी? जब उन्हें देखा कि एक बड़े इतने बड़े शीर्ष पर एक नेता थे, उन्हें वहां मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो बाकी कार्यकर्ताओं की वहां अनदेखी हो रही है,
तो हम जबरदस्ती किसी में विश्वास नहीं रखते। यहाँ पर आपको पूरा मान सम्मान मिलता है, सबको फ्रीडम है अपनी बात कहने की भी, और सभी लोग स्वतः अपने मन से जुड़ के काम करते हैं, पार्टी की नीतियों से जुड़कर काम करते हैं। तो जब वो वहाँ गए थे तब भी हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, वापस आएंगे उनका स्वागत है, ये तो भाजपा परिवार है, जितना ज्यादा बढ़ता रहेगा उन्हें वही सम्मान, वही सब चीजें जो पहले थी उसी तरह से उन्हें मिलती रहेंगी, पर उनका भी समर्पण पार्टी के लिए दोगुना होना चाहिए। मैम जिला अध्यक्ष बनने पर खुशी है? बहुत खुशी है, और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, ये तो कांटों का ताज है, और जो खुशी भी बहुत होती है क्योंकि हम जब आगे मुसीबतों में पड़ेंगे नहीं, हम चलेंगे नहीं किसी भी कठिली राह पर, तो हम अपने आप को निखारेंगे कैसे। और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह से मेरे ससुर और मेरे परिवार ने इस राजनीति को अपने परिवार की तरह सींचा और इनको बहुत कुछ क्षेत्र की जनता को दिया, मैं भी उन्हीं के आदर्शों पर चलकर, कहीं भी कुछ ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए मेरे से, और बहुत बड़ा मेरे पर एक रहेगा कि मुझे बहुत अच्छे से काम करना है, सबको साथ लेके चलना है और एक आदर्श स्थापित करना है। चर्चा चौराहे से ये निकल के आ रही है कि अब विधानसभा की तैयारी भी मैडम ने शुरू कर दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैडम ने कहा शुरू कर दिया, मैडम यही बैठी है, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलेगी। चुनाव, दो चुनाव लड़वाने हैं, मैं आप देखिए संगठन ने बहुत विश्वास जताया है और मुझे पता है चुनौती बहुत कठिन है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है देश, देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, सेल्फ सबसे लास्ट में रहता है, और बिना मांगे सिर्फ मेहनत को देखकर मुझे संगठन ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मेरा पूरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके विश्वास पे खरी उतरूं। मेरा अपना चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है, मैं मनोज तिवारी जी को और अपने विधायकगण को चुनाव लड़वाऊंगी और पांचों विधानसभा की सीटें पूरी कोशिश करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए और हम कमल का फूल मोदी जी को गिफ्ट करें। पूनम जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से आपके अंडर पांच विधानसभाएं आती हैं, आपको महिला जिला अध्यक्ष बनाया, तो क्या आप भी प्रयास करेंगी कि पांच में से दो सीट महिला की मैं लेकर के आऊं? जी, पूरा प्रयास रहेगा, महिलाओं की तो ये कोशिश ही है और महिलाएं जो है वो बहुत खुश भी इसीलिए है, देखिए नेतृत्व का ये फैसला, उत्तर पूर्वी लोकसभा की बात करें तो यहाँ महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाता विधानसभा के अंदर, तो क्या आप प्रयास करेंगे? देखिए पार्टी ने तोड़ा है ना कि महिला पहले नहीं बनी, आज मैं बनी हूँ, तो संभावनाएं आगे बहुत कुछ हो सकती है सभी के लिए। मोदी जी के राज में महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुंची, आईएएस ऑफिसर बन रही है, तो सब चीजें चेंज हो रही हैं, वो पुराना पैटर्न आप छोड़ दीजिए, महिलाएं बहुत तरक्की कर रही हैं और वो अपना 100% दे भी रही हैं, तो सब महिलाओं के लिए क्या, सभी के लिए प्लेटफॉर्म खुला है, जो भी मेहनत करेगा, जो भी समर्पण पार्टी को देगा तो पार्टी उसे देगी, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष। जनता से ये अपील करूंगी कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को आपने देखा है और जिस तरह से भारत में आज से पहले कभी विकास नहीं हुआ, अब आप उस विकास को देखिए, आप उस लहर को देखिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए, भारत का जो नाम विदेशों में रोशन हो रहा है, G20 हमारे यहाँ हो रहा है, बहुत सारी चीजें इस कालखंड में हो रही हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है जिसे लोग महामानव कहते हैं, पूरा वर्ल्ड उनके कदमों में है, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत देश में रहता है, जो देशवासी है, उसे इसका कृतज्ञ होना चाहिए कि हम ऐसे प्रधानमंत्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो हर राग द्वेष को भूल कर केवल देश के विकास के लिए काम करें जिससे कि आपका और आपके बच्चों का भविष्य आगे सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।